कहा कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं मंजरी पूरे परिवार के सामने अक्षरा को लेकर अपनी नफरत एक बार फिर से दिखाएगी। जी हाँ, पूरे परिवार के सामने मंजरी एक बार फिर से कहेगी, पहले अक्षरा ने हमसे अनीशा को दूर किया, फिर मेरे नील को, और अब वही अक्षरा पूरी तरह से हमारे परिवार की खुशियां भी छीन चुकी थी। भाई मंजरी पूरे परिवार के सामने अक्षरा को कोसना शुरू कर देगी और ये सारी बातें बर्दाश्त शेफाली भाभी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। भाई शेफाली भाभी अक्षरा को इन सब के लिए दोषी मानती ही नहीं है, इसलिए शेफाली भाभी पूरे परिवार के सामने मंजरी माँ को याद दिलाएगी कि जब नील आखिरी सांसें ले रहा था उसने अक्षरा को ही याद किया था। उसने अक्षरा को साफ साफ कहा था कि हमेशा आरोही और आरोही के बच्चे का ख्याल रखें। शेफाली यहां पर याद दिलाएगी मंजरी को हॉस्पिटल में नील ने वादा अक्षरा और अभिमन्यु से लिया था। शेफाली यहां पर साफ साफ कहेगी मंजरी से कि आप चाहे अक्षरा को कितना भी दोषी माने लेकिन नील अक्षरा को कभी दोषी नहीं मानता था। नील ने कभी अक्षरा से नफरत नहीं की, वो अक्षरा को हमेशा प्यार करता था। और शेफाली बातों ही बातों में मंजरी से ये भी कह देगी कि अगर हम सब ने नील को खोया है तो अक्षरा ने भी अपना बच्चा खोया है, लेकिन हम अक्षरा के दर्द को कुछ समझ ही नहीं पाए। अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा शेफाली की बातें मंजरी के दिमाग पर क्या असर डालती हैं।